दो कटोरी अलसी, एक कटोरी अजवाइन, एक कटोरी तिल, एक कटोरी सौंफ, दो नींबू, दो चम्मच काला नमक। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये अलसी एक बड़े बाउल में लेने के, और अब इसमें हम 4-5 चम्मच नींबू पानी और पानी मिला के जो रखा है वो डालते हैं। तो हमने इसमें 2 चम्मच नींबू का रस और 4 चम्मच पानी मिला दिया है, और इसमें 1 चम्मच काला नमक मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब सौंफ में नींबू और पानी मिला के जो रखा हुआ है वो 4 चम्मच और 1/2 चम्मच काला नमक। सौंफ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको भी साइड में रख देंगे। अजवाइन जो मैंने पहले ही धो के रखा था, अजवाइन को बिना धोए ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें बारीक बारीक कंकड़ होते हैं जो साफ़ करते टाइम दिखते नहीं हैं, इसलिए इसको धोकर ही यूज़ करें। इसमें 1, 2, 3 और ये 4 चम्मच मैंने नींबू और पानी मिक्स करके रखा था वो डाल दिया। और ये 1/2 चम्मच काला नमक करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हमें 30 मिनट के लिए एज इट इज़ रखनी है, ताकि इसमें ये पानी नींबू नमक ये जो है अच्छे से मिल जाए और ये फूल जाए, नमक इनके अंदर तक चला जाए। अब जो अलसी है, अलसी खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत हेल्दी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अलसी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही साथ इसमें फाइबर न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए अलसी जो है ये खाने से महिलाओं के पीरियड्स के दिनों में खाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पीरियड्स में महिलाओं को जब क्रम्स आते हैं, बहुत सारा पेट में दर्द, कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें होती है, वो अलसी खाने से नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अलसी खाने से आपको चेहरे पे झाइया पिगमेंटेशन नहीं होता है। और सौंफ के फ़ायदे बता रही हूँ। सौंफ आपको डिटॉक्स करता है। सौंफ खाने से हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है, नींद सही आती है, और सौंफ खाने से याददाश्त भी ठीक होती है। सौंफ वैसे भी बच्चों को, बड़ों को, सबको खाना चाहिए। इससे मसल पावर बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द वगैरह में ये बहुत मदद करता है ठीक करने में। ये हड्डियों में ताकत देता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी दिल की नसों को बहुत ताकत देता है। अजवाइन पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सर्दी ज़ुकाम, सर्दी कफ को ठीक करता है, और वात के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं अजवाइन खाने से ठीक होते हैं, और अजवाइन वेट लॉस में भी बहुत अच्छा होता है। तिल में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए हमारी दादी नानी वगैरह सर्दी के दिनों में तिल की बहुत सारी चीज़ें बनाती, जैसे तिल के लड्डू, तिल की चिक्की, और तिल भी खाते हैं,
तिल की त्यौहार भी आती हैं सर्दियों में, क्योंकि इस वक्त हमें तिल की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। अब देखते हैं 30 मिनट बाद, ये देखिए कितना अच्छे से पानी इसमें मिक्स हो गया है और ये फूल गई हैं। अजवाइन भी देख लेते हैं, ये सब बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स करते हैं। ये पानी सोख लिया है और बहुत ही अच्छे से इसमें पानी एब्जॉर्ब हो गया है। तो अलसी को देखते हैं, देखिए अलसी कितने अच्छे से सूख गई है, सारा पानी नींबू का रस सोख लिया है। अब चलिए इसको सेक लेते हैं। ये कढ़ाई गरम हो चुकी है और जितना हो सके खाना हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन होता है और लोहे में खाना बनाया हुआ या कोई भी चीज़ बनाई है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये 2 मिनट बाद कुछ कुछ ऐसी हो गई है। अब आपके समझ में कैसे आए कि ये सिक गया है, इसके लिए ये थोड़े से दाने हाथ पे लें और इसको थोड़ा सा ठंडा करके और फिर इसको चबा के देखें। जब लगे कि कुरकुरे हो चुके हैं तो इनको एक बर्तन में पलट लें। अब इसी में हम ये अलसी पलट लेंगे। ध्यान रखना है कि हमें ये सारी चीज़ें मीडियम हीट पे ही सेकनी हैं, क्योंकि मीडियम हीट पे सेकने से ये होगा कि ये अंदर तक सेकी जाएंगी। अगर इसको तेज़ आंच पे सेकते हैं तो ये ऊपर ऊपर सिक जाएंगी, जल जाएंगी और अंदर कच्ची रहेगी। अभी 2 मिनट बाद कुछ कुछ ऐसी हो गई है, अभी भी ये काफ़ी चिपचिप हैं। अभी जो चटचट की आवाज़ आने लगी है यानी कि अलसी पॉप होने लग गई है। ये कुछ इस तरह से दिख रही है। जब तक ये बहुत अच्छे से तड़तड़ाने नहीं लगे जब तक इसको सेकते रहिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाती है और बहुत अच्छे से तड़कने लगती है तो
को इसको ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसको बहुत अच्छे से सेकिए। इसको देखते हैं, ये खा के देखने से काफ़ी कुरकुरी हो गई है। अब इसको भी सेम बर्तन में पलट लेते हैं। अब हम सेम बर्तन में अजवाइन ले लेते हैं। ये मुखवास खाने से वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें अजवाइन जो है वो खाना पचाने का काम बहुत अच्छा करता है और ये खाने से वात नहीं होता है और वात ना होने के कारण जब हमें वात नहीं होता है तो मोटापा भी नहीं होता है और बदहजमी नहीं होती है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं बता के आपको बोर नहीं करना चाहती। हमारे अजवाइन के सेकने में 5 मिनट लग गए हैं। 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से सेक के रेडी हो गया है। अब इसको भी हम सेम बर्तन में पलट लेते हैं। अब इसके बाद हमें तिल भी सेक लेते हैं। बर्तन गरम है तो हमें तिल को बहुत ही लो फ्लेम पे सेकना है ताकि हमारी तिल जल ना जाए। अब तिल अच्छे से ब्राउन हो गई है और बहुत अच्छे से सिक गई है। तिल को सेकने में 3 ही मिनट लगे हैं तो तिल को भी उसमें पलट लेते हैं। अभी सारी चीज़ें हम सेक चुके हैं और इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक ऐसे ही रहने देंगे। फिर इनको मिक्स करके कांच के जार में भर देना। अब ये मिक्स करने के बाद कुछ कुछ ऐसा हो गया है और इसको 1.5 घंटा हो गया है और अभी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। अभी हमने एक कंटेनर में भर लिया है, ये दे दी उसके लिए। अब इसको एयर टाइट कर देंगे। ये बाकी जो बचा है हम इसको एक दूसरे बड़े जार में भर देंगे और ये हमारा डेली यूज़ के लिए है। इसको खाना है, खाना खाने के बाद जब भी हम खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम या नाइट में तो खाना खाने के बाद ये 1 से 1.5 चम्मच हमें खाना है। और जब हमें खाना शुरू करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि
ये खाने के बाद पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पानी खूब पिए। और मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ, जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं या फिर जिन्हें हाइपरटेंशन है, वो लोग इस मुखवास में से अलसी को स्किप करें, वो अलसी के साथ ना खाएं। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।